एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है वेडनेसडे एंड डेट है 29 जुलाई। एंड अभी हो रहा है आफ्टरनून, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग, तो वो अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ मैं इसका, जो कि अमेजोन से मैं ऑर्डर की थी। ये है वेइंग मशीन। आप लोग को पता ही है कि मैं वेट लूज करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, बट मेरे पास जो ओल्ड वाला वेइंग मशीन था ना, वो मोमेंट तोड़ दिया। गलती से ही तोड़ा, बट तोड़ दिया मोमेंट। और मैं कितनी बार बोली हूँ प्लीज़ ऑर्डर कर दो या दूसरा वाला ला दो, नहीं लाए, तो लास्टली फाइनली मुझे ऑर्डर करना पड़ा एंड आई ऑर्डर्ड। तो ये मेरा जो पार्सल है, ये कल ही आ गया था, तो मैं इसको बाहर रखती थी बालकनी में, सैनिटाइज करती थी, एंड आज मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगी। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं फिर। ब्रेकेबल वाला ही हूँ, ताकि फिर से किसी वजह से ये टूट ना जाए, तो इसमें बिल्कुल नहीं टूटेगा। एंड ये ऑटोमेटिक भी नहीं है, तो लाइफ टाइम के लिए अच्छा है। कोई भी बैटरी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना इसमें। तो ये भी ऐसे पैक किया हुआ है, पॉलीथीन ऊपर से लगा हुआ है, एंड ये इसका बॉक्स है। ये हेल्थ केयर कंपनी का है, देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप लोग को परचेज करना है तो आप कर सकते हैं। बट इसका रिव्यू तो मैं यूज करने के बाद ही बता सकती हूँ। ये देखिए, इधर से ये स्प्रिंग लगा हुआ है, दोनों स्प्रिंग लगा हुआ है। बिल्कुल मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, तो इस वजह से मुझे ये अच्छा लगा था। और थोड़ा वेट है इसका, बट ओके, यहाँ से कुछ ओके, यहाँ से ये एडजस्ट करने का है। मैं जिस भी फ्लोर पे या जहाँ पे भी रखूँगी, उसके बाद रखने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे जो है ना, ये घुमाने वाला यहाँ पे एक व्हील जैसा कुछ है, इसको मैं रोटेट करूँगी तो ये रोटेट होता है। ये देखिए, तो मैं एक जगह रख करके पहले इसको फिक्स कर लूँगी जीरो पे, एंड देन इसको यूज करेंगे। तो जब मैं कर ही ली हूँ, तो क्यों ना वेट भी चेक कर लूँ। ये मैं जीरो पे कर दी हूँ, 66 kg है। ओह माय गॉड, 66 kg मेरा अभी आ रहा है, ज्यादा नहीं हो गया? पहले 63 kg था एंड अभी 66 kg है। इतना जल्दी वेट इंक्रीज होता है? अब मुझे लग जा रहा है बिल्कुल वेट कम करने के लिए। एटलीस्ट पर डे मैं लिखूंगी, हाँ ये वेट है, नेक्स्ट डे इतना है। आई हैव टू कीप ऑन चेकिंग कि पर डे मेरा क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है वेट में। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं और आपको पता चल जाता है, हाँ ये 1 kg भी इंक्रीज हो गया या 0.5 भी इंक्रीज हो गया ना, तो आप फिर अपने वेट को लेकर के थोड़ा केयरफुल हो सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं चलता है ना, तो फिर पता ही नहीं चलता वो कब इंक्रीज हो गया कब डिक्रीज हो गया। जैसे कि अभी मेरा ही हुआ, 2 वीक पहले मैं नीचे जो जिम रूम है वहाँ जा करके चेक की थी, तो मेरा 63 kg था एंड नाउ यू सी 66 kg। तो वो पता नहीं चलता सडन में, लगता है कि नहीं 63 है, तो लगभग थोड़ा बहुत ही हुआ होगा ना, बट 3 kg डिफरेंसेस आ रहा है। तो ये वाला प्रॉब्लम अब मुझे नहीं होने वाला है, और मैं होने भी नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे एकदम वेट अपना ठीक करना है, बहुत बहुत ज़रूरी। क्योंकि ना मोमेंट मुझे मोटी मोटी बोल करके इतना ज़्यादा चिढ़ाते ना, कि मुझे इरिटेशन हो गया है उससे। तो मैं स्लिम ट्रिम बन के दिखाऊंगी उनको। तो मैं इसको रख देती हूँ। ये देखिए, ये जो था ना मेरा ओल्ड वाला था, इसके ऊपर ग्लास टफिन ग्लास का था, तो इतने बुरे से वो ब्रेक हुआ है ना, एकदम जैसे चूर चूर हो जाता है ना, वैसे पूरा हो गया था ब्रेक। मतलब एक लाइन ऐसे ब्रेक नहीं हुआ है, पूरा ग्लास ही वैसे ब्रेक हुआ है। तो बट ये वर्क होता है, अगर इस पर मैं एक
इसी साइज का प्लाईवुड पतला सा था वो रखी थी, तो मैं उस पर स्टैंड होती थी, तो ये काम करता था, इसका ये काम करता था। तो देख के इस पर कुछ ग्लास कटिंग करके डालेंगे तो हो सकता है यूज़ फिर से, क्योंकि मेन जो है ना पॉइंट्स ये चार होते हैं, इस पर ही लोड जाना है, देन ये वर्क होता है। तो बस अब मेरा इसका अनबॉक्सिंग तो हो गया है, एंड ये डब्बा है ना, इसका मैं कुछ DIY तो ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे से ऐसा फ्रेम जैसा दिख रहा है ये, तो 100% मैं करूँगी, बस टाइम मिल जाए। यही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। गुड नाइट।